हेलो आईफोन यूज़र्स, इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज की वीडियो में बताऊंगा, अगर दोस्तों आप किसी बेस्ट आईफोन केस की तलाश में हो कि आप अपने आईफोन को प्रोटेक्ट करने के लिए बेस्ट केस ढूंढ रहे हो, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कौन सा आईफोन कवर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, जो कि आपको फीचर्स के साथ साथ स्टाइलिश लुक के साथ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास हैं केसकू के कुछ केस, मैं आपको इनकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके दिखाऊंगा और ये प्रोटेक्शन में कैसे हैं इस वीडियो में जानेंगे। सो सबसे पहले आप देख सकते हो इस केस की पैकेजिंग ही बड़ी कमाल की है। ब्लैक कलर के बॉक्स में हमें ये केसेस देखने को मिलते हैं और ओवरऑल मैं आपको इसका फुल रिव्यू देने वाला हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, आई डोंट नो इस पेपर को या इस बॉक्स को या इस कार्ड को क्या कहते थे, ये जो रिफ्लेक्शन हमें अलग अलग एंगल से देखने को मिलती है, उनसे हमें ये पिक्चर्स ही जो है चेंज करके देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, सो केस काफ़ी कमाल का होने वाला है, तो मैं आपको जल्दी से इसके अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। यहाँ देखने को मिलेगा और कुछ स्टिकर्स, और यहाँ पर आप इन स्टिकर्स को अपने फ़ोन के ऊपर यूज़ कर सकते हो आई बिलीव। तो इस केस में ना आपको सर्टिफाइड मिलिट्री देखने को मिलती है। सो कुछ स्टिकर्स आपको देखने को मिल रहे हैं और ये हमें इस पैकेजिंग में केस देखने को, क्योंकि यहाँ ब्रांडिंग है, आप ब्रांड की लुक देख सकते हो। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया करके इन्होंने ना अपनी पैकेजिंग की डिज़ाइन कर रखी है। सो पता चल रहा है कि प्रीमियम फील आ रही है, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 360 आपको रोटेटेबल स्टैंड देखने को मिल जाएगा। ये जो मैग्नेट्स हैं काफ़ी स्ट्रांग हैं और सर्टिफाइड मिलिट्री प्रोटेक्शन है। पीछे भी आप देख सकते हो रेवोल्यूशनरी 360 रोटेटेबल फोल्डेबल स्टैंड। सो जल्दी से मैं इसको करता हूँ अनबॉक्स। यहाँ पर भी आपको कुछ स्टिकर्स देखने को मिल रहे हैं केसकू के। सो कईयों को ये स्टिकर्स पसंद आएंगे, सो आप अपने मैकबुक या किसी भी लैपटॉप या किसी जगह पर अपने स्टिकर्स को सेट कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं खास बता दूँ कि मैंने ऑर्डर किया है, ये जो है ना ट्रांसपेरेंट केस है, और इसकी खास बात ये है कि ये येलो नहीं पड़ने वाला। आप वेबसाइट पर या अमेज़ॉन की वेबसाइट पर भी ये केस देखने को मिल, ये जो केस है ना वो आप अलग अलग कलर्स में ऑर्डर कर सकते हो, जैसे कि ब्लैक में कर सकते हो, ब्लू में, आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स चेकआउट कर सकते हो। और ये जो केस मैंने ऑर्डर किया है वो ट्रांसपेरेंट है और ये ब्लैक या येलो नहीं होने वाला, ये मैं लिख के दे देता हूँ, क्योंकि इस वेबसाइट में इस कंपनी ने यही चीज़ बड़ी हाईलाइट की है, राइट। सो जल्दी से मैं अप्ने फ़ोन के ऊपर प्लग इन करता हूँ या अप्लाई करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। सो देयर वी गो, आप देख रहे हो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो आप देखो कि स्क्रीन से इस केस की जो हाइट है वो ऑलमोस्ट जो है ना वो 0.3 सेंटीमीटर है, जिससे क्या हो रहा है वो हमारा जो फ़ोन की डिस्प्ले है ना वो बची रहे, हमारा फ़ोन ऐसे ड्रॉप होगा ना सो स्क्रीन बच जाएगी टोटली, क्योंकि यहाँ पर जो केस है ना वो पहले टच करेगा ग्राउंड को। यहाँ पर आपको केसकू की ब्रांडिंग देखने, यहाँ बटन्स की फील चेकआउट कर, फुली टैक्टाइल कैमरा की भी मैं प्रोटेक्शन की बात करूं, सो कैमरा का लेवल आप देख लो, और उसी के साथ जो केस है ना वो भी थोड़ा हमें बम्प देखने को मिलता है कैमरा की साइड से। इससे क्या होगा कि आपका जो फ़ोन के कैमराज है ना वो टूटेंगे नहीं अगर आपका फ़ोन ऐसे भी ड्रॉप। बट आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि आप इसके ऊपर अलग से कैमरा के ऊपर प्रोटेक्शन लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये केस हमें इस कटआउट में देखने को, तो यहाँ पर ये जो है ना मैजिक स्टैंड देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें छोटा सा कर्व या ग्रूव देखने को मिल रहा है जिससे हम इसको लिफ्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो, और काफ़ी यार ये मतलब जब मैंने इसको लिफ्ट किया ना तो मेरे को काफ़ी सॉलिड फील आई कि ये ऐसे टूटने वाला नहीं है, मतलब काफ़ी हैवी चीज़ बनाई हुई है कंपनी ने, ऐसे ही कुछ एरी गैरी थर्ड पार्टी चाइनीज़ चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी हिंज जो है ना वो काफ़ी स्ट्रांग है और ये मैक्सिमम इस एंगल पर जाएगी, और आप इसको कुछ ऐसे सेट कर सकते हो अपने फ़ोन को कुछ भी अगर आपको देखना है। और सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, इसको रोटेट कर सकते हो, ये बड़ी सही चीज़ है, ये आप इसको ऐसे काइंड ऑफ उंगली में डाल सकते हो, राइट, और अपने फ़ोन को सही ग्रिप दे सकते हो बढ़िया तरीके से होल्ड कर। यहाँ पर जो मेरा पुराना केस है ना उस पर भी मैंने ये चीज़ जो है ना फिंगर रिंग डाल रखी थी, जो कि मेरे को काफ़ी यूज टू हो गया था, और मैं डायरेक्टली फ़ोन जो पकड़ता था वो ऐसे ही पकड़ता था। केस जो है ना वो मेरे को काफ़ी पसंद आया, और ये 360 रोटेट हो जाएगा, जिस किसी डायरेक्शन में भी आप रोटेट करना चाहो, तो मेरे को क्वालिटी बड़ी सही लगी। यहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हो, ये मैग्नेटिक है, सो अगर आप मैगसेफ चार्जर कनेक्ट करना चाहो ना एकदम बढ़िया कनेक्ट होगा। सो दोस्तों अगर आपको बाय करना है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। कुछ चीज़ों पर ना निक्की निक्की चीज़ों पर केसकू ने ध्यान दिया। यहाँ पर देखो कई फ़ोन में ना 5G बैंड का कटआउट रहता है कि उन्हें ना नेटवर्क यहाँ से मिलता है, सो यहाँ पर कटआउट दिया है कि केस जो है ना वो
नेटवर्क की कमी ना आने दे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, अगर फ़ोन जो है ना किसी कॉर्नर में ड्रॉप होगा तो ये फुल प्रोटेक्ट करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक जो है ना, यहाँ स्पेस आपको ना अलग अलग कलर्स मिल जाएंगे। आप ज़रूर चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में लिंक है, चेकआउट करो केस्को की वेबसाइट और अपने फ़ोन की प्रोटेक्शन करो फुली।